हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्लू स्क्रीन के बारे में बताऊंगा। ये देखिए, मेरा सिस्टम चलते चलते अचानक से ब्लू स्क्रीन आता है और ये मैसेज आता है जो कि मैंने अपने मोबाइल से स्नैपशॉट लिया हुआ है, और मेरा सिस्टम बंद हो जाता है। उसके बाद मैं दोबारा जब इसको ऑन करता हूँ तो थोड़ा सा चलता है, फिर उसके बाद शट डाउन हो जाता है, सेम ब्लू स्क्रीन आके। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये होता क्या है, क्यों आया, किस रीज़न से आया। तो मैंने नेट पे फाइंड किया तो बहुत से रीज़न आए कि रैम ख़राब हो सकती है, हार्ड ड्राइव ख़राब हो सकती है, कोई कंपोनेंट ख़राब हो सकता है। मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा रैम और ग्राफिक कार्ड था, सबको मैंने बारी बारी से लगा लगा के चेक किया। मेरा देखिए, ये जो ग्राफिक कार्ड है ये चलते चलते बंद हो जा रहा है। इसका फ़ैन देखेंगे तो थोड़े देर चल रहा है, उसके बाद ग्राफिक कार्ड बंद हो जा रहा है। बट मेरे को ये नहीं पता है कि एग्जैक्ट मेरे पीसी में प्रॉब्लम क्या है। अब ये चीज़ें अगर मैं मार्केट में लेके जाता हूँ तो दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है आपके पीसी में, ये प्रॉब्लम है। तो मैंने ये फेस किया तो मैंने सोचा कि आप लोगों को शेयर करूँ कि ऐसे अगर आती है प्रॉब्लम, या पीसी में कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है तो किस तरीके से इसको रिजॉल्व करते हैं। मेरे पास एक्स्ट्रा कंपोनेंट थे तो मैंने चेक करके देखा, ग्राफिक कार्ड लगाया, निकाला, लगाया, दूसरा लगाया, लेकिन मेरा ग्राफिक कार्ड तभी भी पीसी ऑन नहीं हुआ, ग्राफिक कार्ड ठीक था। रैम भी लगाया, वो भी सब ठीक था। मेरे पास दो हार्ड ड्राइव लगी हुई थी, एक मेरे में SSD लगी हुई है और दूसरी एक एक्सटर्नल और लगी हुई है, उसको भी मैंने लगा के चेक कर लिया, लेकिन मेरी दूसरी जो हार्ड ड्राइव है, जो मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, मतलब मेरे विंडो में दिक्कत है। तो मैं इसको फाइनली क्या करता हूँ, एक बार फॉर्मेट करके देखता हूँ, अगर चलता है तो ठीक है, तो मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, फाइनली मैंने इसको फॉर्मेट किया तो मेरा सिस्टम चल गया, ठीक है। तो मतलब मेरे विंडो में ही दिक्कत थी, मेरा विंडो जो है वो क्रैश हो चुका था, जिसकी वजह से ये ब्लू स्क्रीन आया। अब मैं बताता हूँ कि ये क्रैश क्यों हुआ। एक्चुअली क्या है, मैं एक हैवी सॉफ्टवेयर इस पर रन करवा रहा था जो अनरियल है, जो कि बहुत ज़्यादा लोड लेता है, ठीक है। और उसके साथ मेरे पीसी में माया भी ओपन हो रखा था, तो दोनों सॉफ्टवेयर मेरा ओपन हो रखा था, जिसकी वजह से ये मेरा जो है विंडो लोड नहीं ले पाया और वो क्रैश हो गया। मतलब मेरी जो बफर मेमोरी थी वो ज़्यादा हो गई थी, ठीक है, उसकी वजह से मेरा ये सॉफ्टवेयर जो है क्रैश हो गया। तो अब मेरे सिस्टम में सिर्फ 16 GB रैम था और 8 GB की जो है मेरा ग्राफिक कार्ड है। तो आई थिंक इससे ऊपर हुआ बफर मेमोरी मेरी जब ज़्यादा गई तो मेरा क्रैश हो गया सिस्टम। तो आई होप दोस्तों समझ गए होंगे कि सबसे पहले आप अपने विंडो को अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो चेंज करके देख लें, फिर उसके बाद मार्केट में जाएं अगर कोई दिक्कत आती है। नहीं तो अगर पहले मार्केट में जाते हैं, अगर थोड़ा नॉलेज नहीं होता है तो लोग पैसे बना लेते हैं कि आपका ये कंपोनेंट ख़राब है, ये है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।